हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रताप नगर वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो प्रताप नगर वर्कशॉप आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए करवा गए थे, जो कि रैंकर कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल जो प्रश्न की संख्या रखे गए थे वह 50 रखे गए थे और जो टोटल मार्क्स थे वह 100 रखे गए थे, यानी जो पर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए थे। साथ ही साथ इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ बात करें तो यह पेपर अभी हाल ही में 6/5/2023 को यह पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछे गए हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेक पाइप प्रेशर बिकॉम्स मिस इमरजेंसी ब्रेक लगाने के दौरान बीपी प्रेशर कम जो बनता है वो कितना हो जाता है। जब भी हम ब्रेक इमरजेंसी एप्लीकेशन करते हैं ब्रेक पाइप की तो उसका जो प्रेशर होता है वो 5 kg जो होता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर वो घटकर 0 तक आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो द फिलिंग टाइम ऑफ ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग सिंगल कार्ड टेस्टिंग इज, सिंगल कार्ड टेस्टिंग के दौरान ब्रेक सिलेंडर की फिलिंग टाइम कितना होता है। जब भी हम सिंगल कार्ड टेस्टिंग करते हैं तो उस दौरान हम एप्लीकेशन टाइम को चेक करना होता है हमारा। तो जब भी हम अगर प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो जो हमारा ब्रेक सिलेंडर में हमारा फिलिंग टाइम जो होता है एप्लीकेशन टाइम जिसको हम बोलते हैं वह 3 to 5 सेकेंड हमारा कोच के लिए होता है। यहाँ पर हमसे सिंगल कार टेस्टिंग के लिए पूछा गया है जो कि कोच से रिलेटेड है। जबकि रिलीजिंग टीम टाइम की अगर बात करें तो यह 15 to 20 सेकेंड का होता है। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करें ऑप्शन नंबर की तो ऑप्शन नंबर हमारा बी 3 to 5 सेकेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ब्रेक सिलेंडर का फिलिंग टाइम यानी एप्लीकेशन टाइम होगा जब हम सिंगल कार टेस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द साइज ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन केस ऑफ बीएमबीसी ईयर ब्रेक सिस्टम, यानी बीएमबीसी जो कि हमारा जिसको हम बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर बोलते हैं जिसका प्रयोग ICF कोच के अंतर्गत किया जाता है। इसमें हमारा पूछा गया कि साइज ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछा गया है तो ब्रेक सिलेंडर की अगर साइज की बात करें तो वह 8 इंच जिसको अगर mm में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 203 mm के अप्रॉक्स आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन, यानी गुड्स वैगन का स्टैंडर्ड व्हील गेज कितना होता है। चूंकि अगर बात करें यहाँ पर हम व्हील गेज की तो वह हमारा 1600+2-1 mm होता है। अगर मैक्सिमम आपका आपसे पूछा जाए तो 1602 mm, मिनिमम 1599 mm और जब आपसे स्टैंडर्ड पूछा जाए तो 1600 mm इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमसे स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछा गया है तो इसका उत्तर हमारा जो होगा वह 1600 mm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो हाउ मेनी डिविजन्स आर दियर ऑन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे पर कुल कितने मंडल है। तो अभी करेंट अगर RTI रिप्लाई की अगर बात करें तो उसके अनुसार
हमारा करंट में जो जोन है भारतीय रेलवे के अंतर्गत वो 17 जोन, जिसमें हमारा मेट्रो रेलवे को भी इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडेड, और 68 डिविजन्स के बारे में बताया गया है। जोन में अगर बात करें तो जो हमारा नए जोन बनाए गए हैं साउथ कोस्ट रेलवे, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है इस जोन के अंतर्गत, जिसको आप ध्यान रखें। इसको छोड़कर 17 जोन होता है जिसमें हमारा मेट्रो रेलवे को इंक्लूड किया गया है, और उसके अनुसार हमारा 68 डिविजन्स बताए गए हैं। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन कर देखें हम, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी उत्तर हो जाएगा, 68 डिविजन्स भी भारतीय रेलवे के अंतर्गत मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन LHB कोचेज, LHB कोच में किस प्रकार के रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो LHB कोच की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा CTRB यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ICF के अंतर्गत, तो ICF कोच के अंतर्गत हमारा डबल रो सेल्फ एलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ट, यानी राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था। तो बात करें यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को, तो इसको पारित किया गया था 10 मई 1963 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका संशोधन यानी अमेंडमेंट जो किया गया था वह 1967 के अंतर्गत किया गया था। एक है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, जिसको पारित किया गया था 1976 के अंतर्गत, इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पर, इन यार्ड लिविंग मिनिमम परमिसिबल डायमेंशन ई इन SAB ऑन गुड्स स्टॉक इज, मिस यार्ड लिविंग में गुड्स स्टॉक पर स्लैक लिस्ट बैरल जो होता है SAB, उसमें न्यूनतम आयाम जो ई डायमेंशन होता है वो कितना हम उसको यार्ड लिविंग कर सकते हैं। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए, तो सबसे पहले हम अगर देखें तो SAB के अंतर्गत हमारा टोटल दो तरह के डायमेंशन हम मापते हैं, इसमें एक हमारा ए डायमेंशन, सेकेंड हमारा ई डायमेंशन होता है। ए डायमेंशन हमारा जो होता है वो कंट्रोलर हेड और SAB बैरल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा ए डायमेंशन होता है। वो जनरली जो बात करें अगर, तो वो हमारा 70+2-0 mm होता है, जो कि ऑल टाइप ऑफ कैसना बोगी के लिए होता है, जबकि 27+2-0 mm होता है वो हमारा बॉबारेन बैगन जो होता है स्पेशल, उसके लिए हम या ए डायमेंशन का प्रयोग करते हैं। जबकि जो हमारा ई डायमेंशन होता है वो कट मार्क जो हमारा SAB पर होता है, जो लॉन्ग जो हमारा पुट लग जाते हैं वहाँ से होकर और SAB की जो हमारा ट्यूब होते हैं वहाँ के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो हमारा ई डायमेंशन के रूप में जानते हैं, जो कि जनरली अगर बात करें तो 555 से लेकर 575 के बीच होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, यहाँ पर हमारा मिनिमम 555 और मैक्सिमम हमारा 575 हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार देखिए तो यहाँ पर हमसे मिनिमम पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 5555 यानी 555 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एयर ब्रेक सिस्टम का हट है यानी इसको कंट्रोल करता है। तो हमारा जो DB यानी जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व बोलते हैं वो हमारा एयर ब्रेक सिस्टम का हट, हृदय जो आप बोलते हो, वो होता है, जिसके मदद से हम गाड़ी में ब्रेक अप्लाई
रिलीज करते हैं, जब भी हमारा लोको पायलट के द्वारा प्रेशर जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है और फिर से प्रेशर मेंटेन किया जाता है, तो हमारा गाड़ी में ब्रेक अप्लाई और रिलीज डीबी ही कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर लिया गया था, जिसका जो स्क्रिप्ट अगर बात करें लिपि की तो वह देवनागरी लिपि के रूप में लिया गया था। इसी दिन से 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्ल्ड हिंदी दिवस की अगर बात करें तो वह 10 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क इन एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोच में ब्रेक डिस्क का व्यास कितना होता है वह पूछा गया है। तो बात करें यहाँ पर हम अगर तो एलएचबी में ये हमारा एक्सल हो गया, यहाँ पर हमारा चक्की लगे होते हैं, इसके बीच में हमारा इस तरह से आप देखते होंगे कि एक्सल पर हमारा डिस्क लगा होता है, जिसके मदद से हमारा ब्रेकिंग एलएचबी कोच के अंतर्गत होता है। और इसको हम जो ब्रेकिंग को बोलते हैं, हमारा एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम जो होता है हमारा, वो एलएचबी कोच के अंतर्गत ही होता है। जिसकी अगर बात करें डायमीटर जो हमसे पूछा गया है, तो इसकी डाया हमारा हो जाएगा 640 mm, वहीं जो इसकी थिकनेस होता है वह 110 mm होता है नए कंडीशन में, और जब यह 96 mm पर आ जाता है तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। साथ ही साथ इसको बता दें कि यह हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन से देखें तो जो हमारा डाया पूछा गया है वह हमारा 640 mm का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑफ बीच ब्रेक बान द क्यूब कपलिंग इज द पार्ट, मीन्स जिसमें ब्रेक बान में क्यूब कपलिंग का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर एकमात्र जो ऑप्शन है हमारा जो कि ब्रेक बान ही है, टोटल भारतीय रेलवे के अंतर्गत अभी वर्तमान में हमारा सबसे पुराना हमारा BBZC, फिर हमारा BBZI लाया गया था, फिर उसके बाद हमारा अभी करेंटली में BBCM का भी प्रयोग किया जा रहा है। BBZC हमारा फोर व्हीलर ब्रेक बान है, जबकि BBZI हमारा जिसमें 2ICF बोगी का प्रयोग किया जाता है, जबकि BBCM के अंतर्गत हमारा जो बोगी लगे होते वो हमारा 02 कैसनव 22HS बोगी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो BBZC के लिए हमारा कोड होता है 85, BBZI के लिए 86 कोड है, और जबकि BBCM के लिए हमारा 87 कोड होता है, इसको भी आप ध्यान रखें। साथ ही साथ यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि कौन से में हमारा क्यूब कपलिंग का पार्ट होता है, तो चूँकि चारों ऑप्शन में एकमात्र जो हमारा BBZC ही ब्रेक बांध दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी BBZC इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द वर्ड DO विच इज द यूज्ड बाय डेली कॉरेस्पोंडेंस, दैनिक पत्राचार से प्रयुक्त होने वाले शब्द DO का क्या तात्पर्य है। DO का यहाँ पर बात करें तो डेमी ऑफिशियल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें कि डेमी ऑफिशियल का जो प्रयोग किया जाता है वह गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एडेसी ऑफिसर्स के बीच को पर्सनल अटेंशंस देने के लिए या डेमी ऑफिशियल्स का प्रयोग किया जाता है, यानी DO का फुल फॉर्म हमारा डेमी ऑफिशियल हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछे गए हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ हर हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्स एंड बैगन, यानी बॉक्स एंड बैगन का हेड स्टॉक से हेड स्टॉक जो लेंथ होता है वो यहां पर पूछे गए हैं। तो यहां पर हमारा यह हमारा बॉक्स एंड बैगन हो गया, यहां पर हमारा कपलर लगे होते हैं सीबीसी और यहां पर हमारा सीबीसी लगे होते हैं। तो यहां पर हमसे जो डिस्टेंस पूछा गया है वो हेड स्टॉक से हेड स्टॉक की पूछा गया है जो कि 9784 mm होता है। वहीं अगर आपसे जो डिस्टेंस पूछा जाता सीबीसी टू सीबीसी यानी लेंथ ओवर कपलर्स पूछा जाता तो यह लेंथ होता हमारा 10713 mm, लेकिन हमसे पूछा गया है यहाँ पर लेंथ ओवर हेड स्टॉक तो 9784 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर की तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हमारा द कंडमिंग व्हील डाया इन ICF कोचिंग स्टॉक इज डैश एम, यानी ICF कोचिंग स्टॉक में पहिए का कंडमिंग डाया पूछा गया है। तो ICF कोचेज की अगर बात करें जिसकी कंडमिंग डाया नए कंडीशंस में अगर बात करें तो नए कंडीशन में हमारा 915 mm होता है, जब यह 825 mm पर आ जाता है तो हम इसको सर्विस से कंडम कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल यानी राजभाषा क्या है। अरुणाचल प्रदेश का राजभाषा इंग्लिश है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है व्हाट इज द व्हील डायमीटर ऑन ट्रेड ऑफ द ब्रेकवान गुड्स, यानी ब्रेकवान गुड्स के जो चलने वाले पहिए का व्यास कितना है। चूँकि अभी वर्तमान में हमारा BBZI और एक हमारा BBCM ब्रेकवान गुड्स के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। BBZC की अगर बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है नए कंडीशन में 1000 mm, जब यह 860 mm पर आ जाता है तो इसको हम सर्विस से कंडम करते हैं। जबकि BBZI की अगर बात करें तो BBZI का नए कंडीशंस में हमारा 915 mm और जब यह 813 mm पर आता है तब इसको हम कंडम करते हैं। जबकि BBCM की अगर बात करें तो 1000 mm नए कंडीशंस में और जब यह 966 mm पर आता है हमारा तो इसको हम सर्विस से कंडम करते हैं। तो इस प्रकार अगर मोस्टली देखा जाए तो हमारा 1000 mm ही इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हमारा 3 टाइप्स का ही ब्रेक बान गुड्स स्टॉक के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1000 mm। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर तो द कोडल लाइफ ऑफ ICF कोच इज डैश ईयर्स, यानी एक ICF कोच का कोडल जीवन डैश वर्ष का होता है। ICF कोच की जो कोडल लाइफ की अगर बात करें तो 25 ईयर्स होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं LHB कोच की अगर आपसे पूछा जाए तो 35 ईयर्स होता है। बाकी फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत अलग अलग बैगन के लिए अलग अलग है, जिसको किसी अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ CGEGIS, यानी CGEGIS का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें CGEGIS की तो हमारा सी का मतलब हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं इन व्हाट टाइप ऑफ डिपोर्ट द ROH ऑफ एयर ब्रेक बैगन शुड नॉट बी कैरीड आउट, मीन्स किस प्रकार के डिपो में एयर ब्रेक बैगन का ROH नहीं किया जाता है। चूंकि अगर बात करें तो ROH को उसके फैसिलिटी के पर्याप्त फैसिलिटी के आधार पर अलग अलग
चार कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें हमारा ए बी सी डी है आरओएच के पर्याप्त फैसिलिटी के आधार पर। जिसमें अगर बात करें तो जो शुरू के तीन हमारा है ए बी सी, यहाँ पर हमारा ब्रेक वान का आरओएच किया जाता है, जबकि यहाँ पर हमारा डी कैटेगरी के अंतर्गत हमारा ब्रेक वान का जो फ्रेट स्टॉक ब्रेक वान होते हैं उसकी हमारा आरओएच नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इनलिस्टेड इन द 8 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। फिलहाल संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं को शामिल किया गया है? तो वर्तमान में अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत टोटल जो भाषाएं शामिल किए गए हैं वो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब शुरुआत में लाया गया था 8वीं अनुसूची तो उस दौरान केवल 14 भाषाओं को शामिल था, इसको अलग अलग टाइम पीरियड में अमेंडमेंट करके इसको बढ़ाकर अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डट कलेक्टर, यानी डट कलेक्टर का यहाँ पर वर्क क्या होगा। डट कलेक्टर का काम होता है कि जो हमारा बाहर से जो ईयर हमारा कंप्रेस्ड ईयर आता है बीपी और एफपी पाइप से, उसको हमारा एक्सिलरी रिजर्वायर एफपी के द्वारा और ब्रेक पाइप के द्वारा हम डीवी और सीआर को जो हम प्रेशर भेजते हैं वो हमारा डट कलेक्टर से साफ होकर ही भेजा जाता है, ताकि हमारा डीवी के अंतर्गत माल फंक्शनिंग की समस्या ना आ सके। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हवा को स्वच्छ रखना यानी क्लीन एयर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ MOPR, MOPR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MOPR का फुल फॉर्म होता है मैनुअल ऑन पेंशन रूल्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, न्यूली बिल्ट बॉक्स एंड बैगन फर्स्ट पीओएच पीरियोडिसिटी इज, नव निर्मित बॉक्स एंड बैगन का प्रथम पीओएच आवधिकता क्या है। तो बॉक्स एंड बैगन की अगर बात करें फर्स्ट पीओएच की, तो इसको जो कराया जाता है वो 6 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डीबी इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ, यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पर हमारा जो एफपी से हमारा अगले रिजर्वायर से जो हमारा पाइप जाता है यहाँ पर हमारा सीआर होता है और यहाँ पर हमारा डीबी होता है, यहाँ से हमारा बीपी पाइप का कनेक्शन आता है, यानी कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए हमारा डीबी अटैच होता है सीआर और ऑक्सिलरी रिजर्वायर के से। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम तो, इन बीच स्टेट्स सेक्शन 6 और 7 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 डू नॉट अप्लाई। यहाँ पर अगर बात करें तो जो 6 और 7 जो हमारा सेक्शन था वो मेनली हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट्स पर लागू नहीं होते थे। तो जब हमारा संविधान संशोधन किया गया था यानी 31 अक्टूबर 2019 को संविधान के अमेंडमेंट के द्वारा हमारा आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था जे एंड के से, उसके बाद हमारा जो जे एंड के जो स्टेट्स था उसको दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, यानी जे एंड के और लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा 6 और 7 दोनों फिर से अप्लाई होने लगा है, लेकिन जो यह प्रश्न पूछा गया है वह पुराने ट्रेडिशनल के अनुसार पूछे गए हैं, जिससे अगर देखा जाए तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन वर्तमान के अनुसार अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर स्टेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर,
विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज इन फ्रेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम। यहाँ पर अंडर फ्रेम माउंटेड वाले फ्रेट स्टॉक में किस प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो अगर बात करें फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत हमारा, तो मेनली दो प्रकार के ब्रेक ब्लॉक प्रयोग किए जाते हैं। पहला हमारा एल टाइप और सेकेंड हमारा के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। एल टाइप हमारा जो है वो अंडर फ्रेम माउंटेड वाले जो ब्रेक सिस्टम है कन्वेंशनल टाइप उसके अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि नए वाले जो हमारा BMBS और BMBC कोच और BMBS हमारा बैगन्स, ये दोनों के अंतर्गत हमारा के टाइप का प्रयोग किया जाता है, जबकि कन्वेंशनल वाले हमारा एल टाइप ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डेजिग्नेशंस ऑफ द हेड ऑफ नायर यानी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बदोदरा, यानी बदोदरा के मुखिया यानी प्रधान को क्या कहा जाता है, यानी जो इसके चेयर होते हैं यानी हेड होते हैं नायर के, उसको हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं यानी महानिदेशक। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ ईयर ब्रेक गुड्स स्टॉक इज, यानी ईयर ब्रेक गुड्स स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की जो कलर कोडिंग है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। कलर कोडिंग की अगर बात करें हम गुड्स स्टॉक यानी मालगाड़ी के अंतर्गत, तो वो हमारा ब्लैक कलर का होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्लीज मेंशन द स्टेट्स कमिंग अंडर बी रीजन्स, यानी बी रीजन्स के अंतर्गत यानी ख क्षेत्र में आने वाले राज्य कौन कौन से है। चूँकि ऑफिशियल लैंग्वेज को के अनुसार हमारा भारत को तीन रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला रीजन्स हमारा ए रीजन्स, सेकेंड हमारा बी रीजन्स और थर्ड जो है हमारा वो सी रीजन्स के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं, जिसमें हमारा जो मोस्टली हिंदी वाली जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत हमारा ए रीजन के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं, फिर हमारा बी रीजन्स के अंतर्गत और जो लास्टली जो किसी में इंक्लूड नहीं किया गया वो हमारा सी रीजन्स के अंतर्गत इंक्लूड कर दिए गए हैं रिमेनिंग स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज को। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था बी रीजन्स के अंतर्गत, तो बी रीजन की अगर बात करें हम, तो बी रीजन के अंतर्गत जो तीन स्टेट्स जो मेनली आते हैं वो हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में किस प्रकार के रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। BLC वैगन की अगर बात करें तो BLC वैगन के अंतर्गत हमारा टू रो कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हमारा, सी क्लास ODC सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग, यानी सी क्लास ODC को कब चलाया जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पर हमारा ODC का फुल फॉर्म होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, यानी जो हमारा उस पर जो सामान हम लोडेड करते हैं किस उसके बाद हम नेट क्लियरेंस और ग्रॉस क्लियरेंस को मेजरमेंट किया जाता है, उसके आधार पर हमारा जो ODC है उसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप हमारा ए क्लास ODC, सेकेंड हमारा बी क्लास ODC और सी हमारा सी क्लास ODC होता है। तीन क्लास के ODC में डिवाइड किए गए हैं नेट क्लियरेंस और ग्रॉस क्लियरेंस के मेजरमेंट के आधार पर। यहाँ पर अगर बात करें तो जो हमारा ए क्लास ODC होता है वो हमारा डे एंड नाइट दोनों के दौरान मूवमेंट करता है और इसकी स्पीड जो होता है वह सेक्शनल स्पीड जो होता है उसके बेसिस पर इसको रन किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें बी क्लास ODC की, तो यह डे और नाइट दोनों के दौरान मूवमेंट करता है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि नाइट के दौरान इसमें स्कॉटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होता है।
साथ ही साथ इसकी जो स्पीड होता है वो 40 km/h तक रखा जाता है। सी क्लास ओडीसी की अगर बात करें हम, तो केवल या डे लाइट यानी दिन के उजाले में ही इसको मूवमेंट किया जाता है और इसकी जो स्पीड होता है वो केवल और केवल 25 km/h तक रखा जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका ए, डे लाइट में ही केवल रन किया जाएगा सी क्लास ओडीसी को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन एंड वेयर वाज द सेकेंड ट्रेन इन इंडिया रन, भारत में दूसरी ट्रेन कब और कहाँ चलाई गई थी। तो यहाँ पर अगर बात करें सेकेंड ट्रेन की, तो पहला हमारा ट्रेन जो चला था वो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था बोरी बंदर, जो कि वर्तमान का मुंबई है, और थाने के बीच चलाया गया था, जो कि 34 किलोमीटर डिस्टेंस का था। अगर बात करें यहाँ पर हम सेकेंड ट्रेन की, तो यह चलाया गया था 15 अगस्त 1854 को चलाया गया था सेकेंड ट्रेन को, जो कि हावड़ा से लेकर हुगली तक चलाया गया था और यह 39 किलोमीटर डिस्टेंस के बीच रन किया गया था 15 अगस्त 1854 को हुगली टू हावड़ा के बीच सेकेंड ट्रेन इंडिया का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, बॉक्सिन बीसीएन बीआरएन बोबारेन बीटीपीएन बैगन का एक्सल लोड कितना होता है, द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सिन बीसीएन बीआरएन बोबारेन और बीटीपीएन बैगन, तो इस सारे का जो एक्सल लोड होता है वो हमारा 20.32 टन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, यानी केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं सेंट्रल हिंदी कमेटी के, वो प्रधानमंत्री होते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, व्हाट इज द एज रिलैक्सेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एससी एसटी कैंडिडेट, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को सीधे भर्ती के लिए में कितने वर्ष की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर बात करिए तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात की गई है, जो कि रेलवे के अंतर्गत या जो भी हमारा गवर्नमेंट के अंतर्गत जो रिक्रूट किए जाते हैं स्टाफ की ग्रुप सी और डी के लिए या ग्रुप ए और बी के लिए, तो वहाँ पर हमारा अलग अलग एससी एसटी या ओबीसी के लिए हमारा कुछ छूट दिए जाते हैं एज बेसिस पर। तो यहाँ पर एससी एसटी के लिए अगर बात करें तो 5 ईयर्स का हमारा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ओबीसी को 3 ईयर्स का हमारा इसमें इसके अंतर्गत एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वो एससी एसटी से था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन मेंटेनेंस ऑफ बॉक्स एंड बैगन फिटेड विद कैसनर बोगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड। कैसनर बोगी और ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम वाले बॉक्स एंड बैगन के निरीक्षण और रख रखाव के निर्देश आरडीएसओ के तकनीकी पैम्पलेट का क्या उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें जो बॉक्स एंड बैगन के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो पैम्पलेट्स आरडीएसओ द्वारा दिया गया है वो G70 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आरडीएसओ पैम्पलेट की अगर बात करें जो गुड्स स्टॉक के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं वो G97 है, जिसके अंतर्गत एयर ब्रेक सिस्टम जो फ्रेट स्टॉक का होता है उसको देखा जाता है। G95
इसके अंतर्गत हमारा कैसना बोगी के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड है। G90 की अगर बात करें, इसके अंतर्गत BTPN के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको देखा जाता है। जबकि G100 की अगर बात करें तो G100 के अंतर्गत ATL यानी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो BLC के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं कंटेनर को लॉक करने के लिए, उसके मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन से रिलेटेड होता है G100। वहीं अगर बात करें तो G76 के अंतर्गत CBC मेंटेनेंस देखा जाता है लाइन स्टाफ के लिए, जबकि G81 के अंतर्गत जो CBC के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस है वर्कशॉप के लिए उसको देखा जाता है। इसके अलावा G112 यानी इसके अंतर्गत LCC 20C और LWLH 25 बोगी जो होता है बॉक्सन एस वैगन के अंतर्गत, जबकि LCCF 20C जो BLC के अंतर्गत है इस बोगी के मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है। वहीं G81 हमारा बियरिंग के मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है जो कि ई टाइप के फ्रेट स्टॉक से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी यानी TOLIC की मीटिंग की अगर बात करें पीरियोडिसिटी की, तो यह 6 मंथ में एक बार कराए जाते हैं। वहीं अगर आपसे सीधा पूछा जाता ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी की, तो यह 3 मंथ्स में एक बार कराए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया है वह टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी पूछा गया है, तो 6 महीने में एक बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप डी इन लेवल 1 ग्रेड पे 1800 यानी चतुर्थ श्रेणी लेवल 1 ग्रेड पे 1800 में नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं अधिकारी। तो यहाँ पर बात करें लेवल 1 के लिए पूछा गया, इसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होता है वो जूनियर स्केल ऑफिसर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय CC रैक, CC रैक से क्या समझते हैं। CC रैक का मतलब होता है क्लोज सर्किट रैक, जो कि फ्रेट स्टॉक में यूज किया जाता है। जिसकी अंतर्गत बात करें अगर CC रैक के अंतर्गत, तो इसकी जो वैधता होती है चलाने की वह 35 डेज तक होती है, जिसको अभी हाल ही में काफ़ी मॉडिफिकेशंस रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है बॉक्सन HL के केस में। इसकी जो बात करें कलर के लिए BPC जो यूज किया जाता है वह येल्लो कलर का है, और जो इसकी शुरुआती ब्रेक पावर परसेंटेज जो होता है वह 100% और थ्रू के लिए या 90% तक अलाउ होता है मिनिमम। साथ ही साथ इस रेक की एग्जामिनेशन के लिए 100 मैन आवर पर रेक्स की रिक्वायरमेंट होता है इसके अंतर्गत। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर बी क्लोज सर्किट रेक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो हाउ मेनी टाइम्स आर द रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन अ ईयर, साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं कराई जाती है। तो यहाँ पर बात करें तो जो हमारा रेलवे कर्मचारी या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं साउदर्न रेलवे या साउथ के अंतर्गत, तो वहाँ पर उसको हिंदी के लिए प्रत्येक वर्ष जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं उसके बाद उसके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम जो रेगुलर बेसिस पर लिए जाते हैं वो साल में 2 बार लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पहला एग्ज़ाम मई के अंतर्गत कंडक्ट कराए जाते हैं और सेकेंड एग्ज़ाम जो होता है वह नवंबर के अंतर्गत कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमिसिबल डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन इज, नकल पिवट पिन का अनुमेय व्यास पूछा गया है। तो नकल के अंतर्गत जो पिन डाला जाता है उसको हम नकल पिवट पिन के नाम से जानते हैं, और इसकी जो परमिसिबल डाया जो होता है वह 39.5
5 mm होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे स्टैंडर्ड डाया पूछा जाता तो इसका स्टैंडर्ड डाया 41.28 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कोटा ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन इनिशियल ग्रेड ऑफ वर्कशॉप। वर्कशॉप में चतुर्थ श्रेणी की इनिशियल ग्रेड पे में सीधी भर्ती पर कितना कोटा रखा गया है। इनिशियल रिक्रूटमेंट की अगर बात करें वर्कशॉप के अंतर्गत तो इसके लिए 50% का कोटा रखा गया है जो कि चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं यानी लेवल 1 के लिए आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लाइन टू सेंटर ऑफ हेड स्टॉक अंडर लोडेड कंडीशन, यानी रेल लाइन के ऊपर हेड स्टॉक के बीच लोड स्थिति में तहत न्यूनतम अनुमेय बफर ऊंचाई पूछा गया है। तो यहाँ पर लोडेड कंडीशन में मिनिमम परमिसिबल पूछा गया है तो इसका जो मिनिमम होगा वह 1030 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, 1030 mm मिनिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लाइन इन अंडर लोडेड कंडीशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड, यानी राजभाषा अधिनियम 1963 को कब संशोधित किया गया। 1967 के अंतर्गत संशोधित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर बात करें कब पास किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, तो यह 10 मई 1963 को पारित किया गया था जिसका संशोधन 1967 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द परसेंटेज मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ, यानी हर महीने वेतन का कितने प्रतिशत भाग राशि भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत जमा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8.33%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑफ बॉक्स एंड वैगन ड्यूरिंग सर्विसेज, यानी सेवा के दौरान बॉक्स एंड वैगन पर चलने वाले पहिए का न्यूनतम व्यास कितना होता है। तो बॉक्स एंड वैगन की अगर बात करें तो नए कंडीशन में जो व्यास होता है डाया इसकी व्हील की वो 1000 mm, जब यह घटकर 906 mm पर आ जाता है तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 906 mm जो कि मिनिमम व्हील डाया होगा बॉक्स एंड वैगन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोचेज, LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है। तो LHB कोच की अगर बात करें राइडिंग इंडेक्स की तो वह 2.5 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा जो ICF की अगर पूछा जाए तो ICF का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वह 3.5 होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सॉप शेड्यूल 2 ऑफ LHB कोच ईटन, LHB कोच का सॉप शेड्यूल 2 कब किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो मेनली LHB कोच का 3 शेड्यूल्स किए जाते हैं सॉप्स आधार पर, SS1, SS2 और SS3। SS1 की अगर बात करें तो यह जो कराया जाता है वह 1.5 ईयर्स या 600,000 किलोमीटर्स के आधार पर कराए जाते हैं। सेकेंड जो SS2 है वह 3 ईयर्स या 12,00,000 किलोमीटर्स के आधार पर कराए जाते हैं, जबकि SS3 की अगर बात करें तो 6 ईयर्स या 24,00,000 जो भी पहले हो उसके बेसिस पर इसका सॉप शेड्यूल्स 1, 2, 3 किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया था सॉप शेड्यूल 2, तो 3 ईयर्स या 12,00,000 किलोमीटर जो भी पहले हो उसका उस आधार पर इसका सॉप शेड्यूल 2 किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 3 ईयर्स या 12,00,000 किलोमीटर्स अर्नेड बीच एवर्स ईयर इज अर्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, इन 2015
ट्विन पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी, यानी जुड़वा यानी जो ट्विन पाइप प्रणाली होता है उसके अंतर्गत ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर होना चाहिए वह 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यह वीडियो को अपने साथी तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। साथ ही साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।